Hello and good evening students and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar and today we are going to cover American literature. We have already covered a first lecture on this particular topic, ठीक है? तो basic idea जो है हमारा American literature का वो खत्म हो चुका है. We have also covered two writers. Today we are going to cover four. Okay, so Frederick Douglass, Harriet Beecher Stowe, James Fenimore Cooper, Louisa May Alcott. Okay, so we'll cover all of these writers today. You can get my lectures at 8 PM on daily basis. But वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिसंबर एग्जाम में JRF लेने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना होता है. उसके लिए इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेके आई है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी. एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है. इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट ट्रिक्स के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. इसके साथ ही आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, जो कि आप इजीली अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी इस कोर्स की बात यह है कि दैट यू आर गोइंग टू गेट पेपर वन कम्प्लीट कोर्स फॉर फ्री. ओके, सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज. ओके, तो लेट्स कवर आर टॉपिक. काफ़ी कर लिया हमने, है ना? ओके, सो द फर्स्ट राइटर इज फ्रेडरिक डॉगलस. तो हम इन्हें कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विल अंडरस्टैंड दैट. सो ही वॉज बॉर्न इन 1817 एंड डाइड इन 1895. काफ़ी अच्छी लाइफ. ओके, नाउ फ्रेडरिक डॉगलस का पूरा जो नाम है फ्रेडरिक ऑगस्टस वाशिंगटन बेले, ठीक है? इस नाम से भी इनको जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखिए. अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर हैं, एवोल्यूशनिस्ट हैं, ऑरेटर हैं, राइटर ऑफ कोर्स हैं, स्टेट्समैन भी हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स वो थे, लेकिन हम एज इट इज़ अभी पढ़ रहे हैं तो हैं. ओके, एंड इन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं, जैसे 3 बायोग्राफीज लिखी हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे. उन्हें एज अ इंस्लेव्ड पर्सन उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने एक जगह पे लिखा है. बट उन्होंने 3 ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, ठीक है? ऑटोबायोग्राफीज. नाउ द फर्स्ट वन इज नरेटिव ऑफ द लाइफ फ्रेडरिक डॉगलस, ओके, एन अमेरिकन स्लेव, विच वॉज पब्लिश इन 1845, ठीक. सेकेंड, My Bondage and My Freedom, which was published in 1855, and at the end, Life and Times of Frederick Douglass, which was published in 1881, then revised it, and then again it was published in 1892. दो बार पब्लिश हुई है. 1881 में ओरिजिनली फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, देन रिवाइज किया गया उसको, फिर 1892 में पब्लिश करवाई गई है, ठीक है? उनका एक लाइन है जो कि बहुत फेमस है, आई ओफन यूज दिस. सो आई वुड यूनाइट विद एनी बडी टू डू राइट एंड विद नो बडी टू डू रॉन्ग. क्या है? आई वुड यूनाइट विद एनी बडी टू डू राइट एंड विद नो बडी टू डू रॉन्ग. ओके, सो इतनी बेसिक जानकारी हो गई. सो मूविंग ऑन टू द वर्क्स. सबसे पहला वर्क के बारे में बताती हूँ मैं. द नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डॉगलस कॉमा एन अमेरिकन स्लेव विच वॉज पब्लिश इन 1845. तो ये एक मेमोयर है, अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस पर उन्होंने ये वर्क लिखा है. इट ऑल्सो सेज दैट इट डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ, ठीक है? उनके जिंदगी में जितने भी इवेंट्स हुए, जो भी चीज़ें हुई ना, उसको ये जो है क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बात करता है. बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीस है ये. जब मतलब एवोल्यूशनिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये वर्क जो है ना, बहुत ज़्यादा एक तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है? दैट वे यू नीड टू रिमेंबर. एंड ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी इन द यूनाइटेड स्टेट. ये जगह आप ध्यान में रखें, 19th सेंचुरी की बात है, जो कि अर्ली 19th सेंचुरी. ये वर्क 11 चैप्टर्स में है, 11 चैप्टर्स में है. डॉगलस के लाइफ के बारे में बात करती है, कैसे वो स्लेव की तरह जी रहे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, एम्बिशन जो था कि नहीं मुझे आज़ाद होना है. ऑफकोर्स आप एक तरह के स्लेव की ज़िंदगी जियोगे ना, जैसे हम लोग के इंडिया में एक होता है ना, बंधुआ मजदूर, तो दैट इज़ द सेम थिंग. तो ये वही हुआ ना कि आप तो चाहोगे ना कि आप फ्री हो जाओ. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज एम्बिशन टू बिकम अ फ्री मैन. ऑफकोर्स सबको आज़ादी चाहिए. इसमें एक और चीज़ है, एक प्रीफेस है, जो कि विलियम लॉयड गैरिसन के द्वारा लिखी गई है. ये ध्यान में रखिएगा, एक लेटर है जो कि वेंडल फिलिप्स के द्वारा लिखी गई है. ये बेसिक जो जानकारी है ना, ये डिटेल्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, उसे बस याद रखना है. और एक अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो इफ़ यू कैन रीड यू कैन डेफिनेटली डू दैट.
बट मैं सजेस्ट करूंगी फिलहाल आप इतनी चीजें याद रखें। ओके, तो दूसरे वर्क के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली ये समझिए कि माई बॉन्डेज एंड माई फ्रीडम जो पब्लिश इन 1855, वो भी एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने तीन लिखी, ठीक है। कुछ कुछ एक्सपेंडेशन होंगी, एक्सपैंड करके चीज़ें बताई गई होंगी, जैसा इन्होंने कहा है एन एक्सपेंशन ऑफ हिज वर्क। एक ऑटोबायोग्राफिकल स्लेव नरेटिव है ये। इनकी जो भी ट्रांजिशन हुई ना बॉन्डेज के बाद, जो भी बंधुआ मजदूरी या फिर स्लेव एनस्लेव्ड कह सकते हो आप, बॉन्डेज के बाद लिबर्टी में जो उन्होंने ट्रांजिशन किया, बदलाव लाया, उसके बारे में ग्रेटर डिटेल में बात की गई है इस वर्क में। और भी बताते हैं कि कैसे वो फेमस प्रोमिनेंट जो हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑथर बने, एबोलिशनिस्ट बने, स्पीकर बने, कैसे बने, उन्होंने वुमेंस राइट्स के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन बुक में, बुक जब आप पढ़ोगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक पर्सन को मेंशन किया है इन्होंने, जेम्स स्मिथ को, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने में हेल्प करते हैं इनको। इन्होंने कहा कि ही एक्चुअली इंस्पायर्ड मी, ही ऑल्सो सेड दैट फॉर्मस ब्लैक इन्फ्लुएंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है इन्होंने डॉगलस को, फ्रेडरिक डॉगलस को ना। थर्ड वर्क में आते हैं ना, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ फ्रेडरिक डॉगलस, विच वॉज पब्लिश इन 1881, बट उसे रिवाइज करके 1892 में पब्लिश कराया गया है अगेन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। 1881 दे देंगे तो आपको लगेगा अच्छा 1892 में पब्लिश हुआ था तो ये कैसे, सो यू शुड रिमेंबर दैट। नाउ इस वर्क में और भी डिटेल में बात करते हैं कि कैसे उनकी लाइफ थी स्लेवरी एज अ स्लेव, वो ये इस बारे में भी बात करते हैं कैसे उन वो ना बाहर निकले इस चीज़ को लेके, इस चीज़ से, ठीक है, और किस तरह की ज़िंदगी वो जी रहते हैं ही नहीं, इट्स नॉट सी, जितने भी चीज़ें उन्होंने प्रीवियस ऑटोबायोग्राफीज में बात की ना, और भी चीज़ें के बारे में इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में बात की है, ठीक है। वी हैव डन द फ्रेडरिक डॉगलस, सो विल टॉक अबाउट हैरियट बीचर स्टो। तो इनके बारे में जब बात करते हैं तो दो तीन चीज़ें ज़रूरी है और दो तीन वर्क ज़रूरी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नाउ शी वॉज बॉर्न इन 1811 एंड डाइड इन 1896। अमेरिकन ऑथर हैं, एवोल्यूशनिस्ट हैं। देखिए ये टर्म ना बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी बार बार चीज़ें रिपीट हो तो वो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी, यू शुड नॉट स्किप दैट, यू शुड राइट समवेयर। अब आप थोड़ी रिसर्च कीजिए और यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं अंकल टॉम्स केबिन के लिए, तो मैं पहले बता देती हूँ, मैं यहाँ पर समरी आपको नहीं करवाऊँगी क्योंकि आई कैन नॉट डू दैट, वो बहुत लंबा हो जाता है, आपको समरी इसकी करनी है, बाकी बेसिक डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। 30 बुक्स लिखे हैं इन्होंने, नॉवेल्स जिसमें थे, जिसमें 3 ट्रैवल मेमोइज हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स के कलेक्शन हैं, लेटर्स के कलेक्शन हैं, ठीक है। तो पहला जो वर्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना, अंकल टॉम्स कैबिन, ठीक है, और लाइफ अमॉन्ग द लॉली विच इज़ पब्लिश्ड इन 1852। ये पूरी टाइटल आप ध्यान में रखिए, एकदम आप स्किप नहीं कीजिएगा। एन एंटी स्लेवरी नावल है ये, एंटी स्लेवरी नावल है, ठीक है ना। अगर आपको एंटी स्लेवरी नहीं पता तो यू शुड नो, समझ आई ना। दो वॉल्यूम्स में ये वर्क है, दो वॉल्यूम्स में पब्लिश कराई गई है, और इस वर्क का ना बहुत ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर पड़ा था, मतलब उनके स्लेवरी जो भी अफ्रीकन अमेरिकन को स्लेव बनाया गया था ना, एंड स्लेवरी इन द US, तो उसके बारे में बात करते हैं। और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है इस वर्क का बहुत असर पड़ता है इन सारी चीज़ों पे, ठीक है, स्लेवरी इन द US, राइट, जिस तरह का भी एटीट्यूड रहा है उस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, स्लेवरी जो US में थी उस पे असर पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने कुछ चीज़ें भी कही है, सेट टू हैव हेल्प ले द ग्राउंड वर्क फॉर द सिविल वॉर। तो इस वर्क को बेसिकली कहा जा रहा है हेल्प ले द ग्राउंड वर्क फॉर द अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने भी कुछ चीज़ें कही थी जो मैं अभी बताती हूँ। सो दिस इज़ द लिटिल लेडी, उनको कह रहे हैं स्टो को, बिचर स्टो को, हु स्टार्टेड दिस ग्रेट वॉर, लाइक सो दिस इज़ द लिटिल लेडी हु स्टार्टेड दिस ग्रेट वॉर, ओके। बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक पीपल को लेके बहुत नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स थी पहले, अभी भी हैं, इट एग्जिस्ट नाउ। तो ये ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने में ये वर्क पर्टिकुलरली हेल्प करती है कि आप जानिए कि क्या क्या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स है, स्टीरियोटाइप्स विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉट ट्रूथ, है ना, आप बस जो है बनाए जा रहे हो लोगों के हिसाब से, वो है लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ
जेम्स पेनिमर कूपर के बारे में बात करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1789 एंड डाइड इन 1851। ठीक है, ये टाइम पीरियड इनका रहा है 1789 टू 1851। नाउ कुछ वर्क्स हैं इनके बारे में, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अमेरिकन राइटर हैं ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑफकोर्स हम अमेरिकन लिटरेचर पढ़ रहे हैं। तो दो चार वर्क्स हैं, जैसे प्रिकॉशंस है, सबसे पहला वर्क है, फर्स्ट नॉवल है, जो कि 1820 को पब्लिश हुई है। नॉर्थम्पटायर में ये जो है सेट है। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ एमिली मोसले एंड जॉर्ज डेनबेक। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन के बारे में स्टोरी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। दूसरी वर्क जो है दस पाई कॉलिन, अ टेल ऑफ द न्यूट्रल ग्राउंड। ठीक है, सेकेंड नॉवल है, फर्स्ट नॉवल थी प्रिकॉशन, ये सेकेंड नॉवल है, जिसको 1821 में पब्लिश कराया गया था बाय विले एंड हॉस्टेड। तो ये ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा पब्लिश कराया गया है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन की सेटिंग है, कहने का मतलब है सेटिंग इट मींस, जैसे कोई वर्क है तो पार्टीशन के टाइम लिखी गई है। ठीक है, तो पार्टीशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सेटिंग कहेंगे, या किसी जगह के बारे में कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि बैंगलोर के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, या मुंबई के बारे में कह रहे हैं, तो वो दैट इज सेटिंग। और किसी सिचुएशन के बारे में, अगर 1947 के सिचुएशन के बारे में है, तो वो भी सेटिंग हुई। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट अमेरिकन रिवोल्यूशन और वाज इंस्पायर्ड इन पार्ट बाय द फैमिली फ्रेंड जॉन गे। जॉन गे इनके एक फैमिली फ्रेंड थे, उनके लाइफ से, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये वर्क लिखा है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, बट पर्टिकुलरली आपको इसकी स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, और आप जितनी याद रख सकें, कोई भी, जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ोगे, यू विल रिलेट दैट, ओके ये इनके पिता हैं, तो कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, कुछ कैरेक्टर्स आपको याद रहेंगे, तो वो आपको करना है। जैसे कैप्टन हेनरी वॉटन, देन सेकेंड जॉर्ज वाशिंगटन। इसके अलावा भी एक दो होंगे जो आपको ईजिली अगर याद रहे ना, तो आप वो करो, नहीं तो लीव इट। नाउ द थर्ड वर्क लीदर स्टॉकिंग टेल्स। ठीक है, ये एक सीरीज है 5 नॉवल्स की, और कौन कौन सी नॉवल है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर नॉवल में ना नाटी बॉम्बू को फीचर किया गया है। जैसे एक अभी सीरीज नहीं आई, संदीप भैया, तो पहले में तो शायद वो यूपीएससी एस्पिरेंट करके वो आई थी ना, लेकिन संदीप भैया का तो नाम हो गया ना, तो ये कैरेक्टर के वजह से फिर एक सीरीज आई संदीप भैया के नाम से। तो उसी तरह से संदीप भैया को फीचर कर रहे हैं ना, तो उसी तरह से पूरी नॉवल्स में जो है नाटी बॉम्बू को फीचर किया गया है। अब 5 नॉवल्स हैं, द डियर स्लेयर, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, द पाथ फाइंडर, द पायनियर्स एंड द प्रेरियर। तो ये पांचों जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। नाटी बाम्बू कहाँ मेंशन किया गया, अगर आपसे पूछे तो आपको जवाब देना है। ओके, ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन, लुइसा मे अल्कॉट के बारे में बात करते हैं। तो इनका टाइम पीरियड रहा है 1832 टू 1888 तक। ठीक है, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोएट रह चुकी हैं, बहुत सारे वर्क्स इन्होंने लिखे हैं ना, बहुत ना, उन जब वो जिस टाइम में वो थीं, तो उस टाइम में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से के साथ वो बड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे मार्गरेट फुलर, राल्फ वाल्डो इमर्सन, नाथनेल हॉथरोन, जिनके बारे में हम बात करेंगे, हेनरी डेविड थोरो, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, एंड हेनरी वॉड्सवर्थ लॉन्गफेलो, सारे राइटर्स जो हैं इनसे इनके साथ ही वो बड़ी हुई हैं। ठीक है, नाउ एवोल्यूशनिस्ट एंड अ फेमिनिस्ट रही हैं पूरी लाइफ टाइम, उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, ये ध्यान में रखना है। और समटाइम्स आई फील दैट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क ना, कभी शादी नहीं करना एज अ वुमेन, और वो भी उस टाइम के पीरियड में, तो ठीक है, लेकिन शी डिडंट मैरिड। सो ऑल्सो स्पेंड हर लाइफ एक्टिव इन सच रिफॉर्म मूवमेंट्स एज टेम्परेंस एंड वुमेन सफरेज। बहुत ज़्यादा एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वुमेन सफरेज में, और इन उन सारी चीज़ों को एडवोकेट करने की कोशिश की है। वुमेन सफरेज आप समझ रहे हो ना, वोटिंग राइट्स के बारे में बात हो रही है ना। वर्क्स पे आ जाते हैं, लिटिल वुमेन, इनका एक सीरीज है, सीक्वल भी है, जैसे लिटिल मैन, देन ये जोज बॉयज है, दिस इज जोज बॉयज, ओके, आई विल जस्ट लेट यू नो आफ्टर सम टाइम। ओके, तो लिटिल वुमेन जो है 1868 से 1869 में, मतलब तो 2 वॉल्यूम्स में ये वर्क आई है। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स में, पहला है 1868 एंड दूसरा है 1869 में आई, एक कमिंग ऑफ एज नॉवल है। अब आप कमिंग ऑफ एज नॉवल अगर नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, कमिंग ऑफ एज नॉवल मतलब ग्रेजुअली ना कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है। जैसे
हैरी पॉटर का आप एग्जांपल ले सकते हो, धीरे धीरे पूरी स्टोरी की डेवलपमेंट होती है, कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है ना, तो कमिंग ऑफ एज नॉवल उसे ही कहते हैं। नाउ ये तो हो गई 1868, 1869, राइट? ओके, नाउ इस स्टोरी में फोर मार्च सिस्टर के बारे में है, तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे मैग, जो, बेथ एंड एमी। अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है इस पे, आपको याद होगी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, जो मार्च, ठीक है, बहुत, आई रियली लाइक हर। तो और भी हैं, जैसे आप, एक मूवी आई है अभी, किसने काम किया है हैरी पॉटर में, मे बी हरमोइनी जो है उन्होंने काम किया है उसमें, किसका रोल निभाया था आई डोंट रिमेम्बर, बट स्टिल यू कैन वॉच इट, इट्स अ रियली गुड मूवी। नाउ टॉक्स अबाउट द पैसेज फ्रॉम चाइल्डहुड से वुमेनहुड के बारे में बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, मुझे बहुत पसंद थी। नाउ ऑथर जो जो है, जो के बारे में है, और उनकी तीन सिस्टर्स के बारे में है, कैसे कैसे उनकी डिफरेंट रहती है, इंडिविजुअल अप्रोच है, अपना 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 जो है लाइफ के चॉइसेस, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। एक तरह की ऑटोबायोग्राफिकल, और कह सकते हैं कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है पूरी तरह से। अगर आपको राइटर के बारे में डिटेलिंग नहीं मिल रही, तो कम से कम मिल रही है, ठीक है, सेमी तो मिल रही है। नाउ बहुत ज़्यादा जो है नॉवल जो है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस भी करती है, जैसे मेजर थीम्स में आ जाता है डोमेस्टिसिटी, वर्क, ट्रू लव, ठीक है, और ऑल ऑफ देम इंटरडिपेंडेंट एंड इट्स नेसेसरी टू द अचीवमेंट ऑफ इट्स हीरोइंस इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो इट्स अ ग्रेट ग्रेट मूवी, ओके, इट्स अ ग्रेट बुक एज वेल, आई हैव रेड इट। सो आपको अगर पढ़नी होगी तो आप एक लिस्ट, मैं जब प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैं क्या करती थी, कुछ कुछ लिस्ट बना लेती थी ताकि मैं बाद में पढ़ूंगी ऐसा। सेकेंड वर्क है लिटिल मैन और लाइफ एट प्लमफिल विद जॉज बॉयज, ठीक है। नाउ फर्स्ट पब्लिश हुई है 1871 में, तो ये किस बारे में बात करती है, स्टोरी तो बिगेन होती है नैट ब्लेक अराइवल, मतलब तो उसके आगमन से, कहते हैं ना आगमन से, एक शाय यंग ऑफिन लड़का है और बहुत अच्छी वायलिन वायलिन बजाता है। ना पूरी कैरेक्टर में आपको जो कैरेक्टर्स आपको लिटिल वुमेन में दिखे हैं ना, वही सारे कैरेक्टर का जो है अपीयरेंस होता है दोबारा से इस वर्क में भी, लिटिल मैन में भी, ठीक है। तो ये रिलेट कर पाओगे आप लिटिल वुमेन से, बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो ये डीपली आपको पढ़ना नहीं है। देन थर्ड है जॉज बॉयज, दिस इज बॉयज एंड हाउ दे टर्नड आउट, कॉलिन अ सीक्वल टू लिटिल मैन, ठीक है, सीक्वल है ये, ध्यान में रखिए। पब्लिश 1886, 1886 को पब्लिश हुई है ना। जॉ के बच्चों के बारे में बात होती है, कैसे वो बड़े होते हैं और कैसे वो अब अपनी ज़िंदगी में किन किन परेशानियों को झेल रहे हैं। जैसे हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, तो बड़े होने के जो प्रोसेस होते हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ होती है जो कि वी कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, बट वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है। सो वी टॉक्स अबाउट दैट, ओके। नाउ वी हैव डन, फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड आर टुडेज लेक्चर, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।